नमस्कार, न्यूज़ प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। खबर बसवा से, जहां सफाई कर्मियों द्वारा मंगलवार को नगर पालिका से उनके द्वारा किए गए कार्य का भुगतान कराने की मांग को लेकर बसवा तहसीलदार महेंद्र गुर्जर को ज्ञापन सौंपा गया। सुबह करीब 11 बजे नगर पालिका बसवा से 3 दर्जन सफाई कर्मचारियों ने रैली के रूप में सोनी मोहल्ला, रामलीला मैदान, सोढ़िया मोहल्ला, स्टेशन रोड, पुलिया होते हुए उपखंड मुख्यालय पहुंचकर जमकर ईओ के खिलाफ व नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की व ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि हम ईओ रजनेश चौधरी के द्वारा नगर पालिका बसवा बुलाया गया। हमने अपनी मांग रखी, जिसमें 3 से 4 महीने का वेतन की मांग रखी, जो हमारे द्वारा कार्य किया गया उसका भुगतान, परंतु कहते हैं कि ओ रजनीश चौधरी ने मना, अभद्रता व व्यवहार करने लगे। मामला बसवा नगर पालिका का है, जहां पिछले 1 सप्ताह से सफाई कर्मियों के कार्य बहिष्कार के चलते शहर में सफाई व्यवस्था चौपट हो चुकी है और शहर में कचरे के बड़े बड़े ढेर लग गए हैं। मामला है सफाई कर्मियों के 3 माह का पालिका प्रशासन द्वारा भुगतान नहीं किए जाने का। मामले को लेकर सोमवार को सफाई कर्मियों ने बसवा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि पालिका बसवा में कार्यरत सभी सफाई कर्मियों को लगभग 3.5 माह से सफाई कार्य करने के बाद भी भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते सभी कार्मिकों को खासे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सफाई कर्मियों ने कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका के ईओ किसे मामले को लेकर बहुत बार अवगत कराया गया, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। इस दौरान 3 दर्जन कर्मचारी सुनील जमेदार, कल्लू जमेदार, महेंद्र गिरिराज, विमल, संतोष करण, फूल सिंह, पूजा गीता, कांग्रेस शहर मंडल अध्यक्ष मनोहर सोढ़िया सहित अन्य सफाई कर्मी मौजूद थे। आया ठेकेदार जी ने मैसेज करा है और टीओ साहब आ रहे हैं और आप भी सारे कर्मचारी माँ नगर पालिका भी मिलना मेरे को, तो मेरे सारे नगर पालिका कर्मचारी वहीं थे और उसके बाद में टीओ साहब उतर के आए और उन्होंने हमसे पेमेंट के बारे में पूछा, तो मैंने बोला हमारे 3.5 माह का पेमेंट भुगतान करो, तो उन्होंने कहा पेमेंट भुगतान हम तुम्हारा जो कांटे से कचरा तोल कर और उसका भुगतान आपको किया जाता है। तो हमने कहा सर कांटा तो है नहीं, कचरा तो इधर उधर फेंकते हैं, तो तुम बोलते हो इधर डाल दो उधर डाल दो, तो कचरे को नहीं डंपिंग यार्ड में डालो, तो मेरे साहब डंपिंग यार्ड भी नहीं बना रहेगा आपने, तो हम तो इधर उधर डालते हैं कचरे को और कचरे को लेकर उन्होंने भुगतान के लिए हमारे को बोला। तो मेरे सर हम किस वेस पर लगा रहे हैं, तुम किस वेस पर नहीं लगा रखा, तुमको खाली ऐसे ही लगा रखा है, तो ठेका नहीं है कोई, कचरे के बेस पर तुमको लगा रखा है। तो हमने बोला कि सर पहले तो आपने बोला हमसे शुरू में आए जब वो कि तुमको ठेके प्रतिनिधि पे लगा रखा है और अब बोल रहे ठेके पे नहीं लगा रखा, तो हमको किस बेस पे लगा रखा है, हमारा भुगतान क्यों नहीं हो रहा, 3.5 माह का पेमेंट हमारा बकाया है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे सब परेशान हो रहे हैं, हम इतना मुसीबत का वो उठा रहे हैं, दुख सामना कर रहे हैं, दुख उठा रहे हैं कि जो हमारे बच्चे रो रहे हैं पुकार रहे हैं, खाने के लिए भी नहीं हमारे पास में कुछ भी, मतलब दवाई गोली के लिए परेशान है, सारे बच्चे परेशान है, हम परेशान हैं, आज 8 दिन से हमारी को सुना नहीं रही। 8 दिन के बाद में कल ईओ साहब आए थे हमारे पास में और उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी प्रस्ताव करी और हमारी तरफ आपके लिए बोले पत्रकार साहब, तो उनको पता क्या बोला कि तुम कौन है, ऐसे बोला तू धड़ाके से बोला ईओ साहब, और उनका वीडियो कैमरा उनको छीनने के लिए कोशिश करी और उनको धमकाया पत्रकार को और लारे हमको भी धमका के गए, करो तो करो नहीं तो काम कल से तुम मत काम करना और दूसरे का आदमी काम करेंगे और ये पेमेंट भी नहीं मिलेगा आपको। 2 महीने कर ले, मेरा नाम सुनील कुमार, का पेमेंट है हमारा, अब हम पेमेंट की बोलते तो हमारा पेमेंट नहीं होता, पहले पीओ काट लिया था हमारा 3 महीने 4 महीना का, उसका भी कोई हमारे कन कुछ नहीं है और अब तनखा मांगते थे बटाने की धमकी देते हैं हमारे लिए, अब हम बहुत दुखी हो रहे हैं, हमारे को कोई बिरछू नहीं वाड़े, कोई भी राशन पानी नहीं दे रहे, अब हम क्या करें, हम कहाँ जाएं साहब, हम तो बहुत परेशान हैं और अब यही नौकरी है और कल भी आए थे वो पीओ साहब आए थे, क्या कहा उन्होंने, उन्होंने पत्रिका के तक बेचारा का फोन वोन छीन लिया, करे तू कौन होता है, फिर पत्रिका वाला ने बोला कि मैं पत्रिका वाला हूँ, फिर ये कर्मचारी हम सभी बोला भाई इसको क्यों मारते, ये तो पत्रिका है, आई कार्ड मांगे, इन्होंने आई कार्ड बताया, फिर आई कार्ड बताया जब थोड़ा शांत हुए